और इंदौर से खबर मिल रही है जहां माफियाओं पर एक्शन जारी है। सागर जैन के ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। नशे और देह व्यापार से जुड़ा है सागर जैन। आपको बता दें गुलाब बाग स्थित मकान पर यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम ने मकान को तोड़ा है। तो इंदौर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। सागर जैन के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। सागर जैन जो है वो नशे और देह व्यापार से जुड़ा हुआ है। गुलाब बाग स्थित मकान पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम ने इस मकान को तोड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जेसीबी की मदद से मकानों को तोड़ा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तवरेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तवरेज, निगम ने कार्रवाई की है और सागर जैन के मकान को जो है वो तोड़ा है, तो और क्या मामला है कि देह व्यापार से भी जुड़ा हुआ है और नशे का व्यापार भी करता है? और देह व्यापार के ऊपर इंदौर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की थी। हाल ही में 70 करोड़ की ड्रग भी इंदौर पुलिस द्वारा पकड़ी गई थी और कल ही वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दे दिए थे कि अब कल से जो कार्रवाई चालू होने वाली है वो नशे और देह व्यापार के जो आरोपी हैं उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। उसी कड़ी में आज सागर जैन के गुलाबबाग स्थित मकान को नगर निगम और पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया है। ये आज एक पहली कार्रवाई है नशे के कारोबारी जो इस नशे से, इस रैकेट से जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया तवरेज हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां माफियाओं पर एक्शन जारी है और इसी कड़ी में सागर जैन के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें सागर जैन जो है वो देह व्यापार में भी लिप्त है। नगर निगम की टीम ने तोड़ने की कार्रवाई की है।